सेवी अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन पर तख गुरु निसतारे। वाहे गुरु जी बिलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभु आप प्रभ शरणागत जन परे ताका सद परताप चरण कमल का आसरा दीनो प्रभु आप प्रभ शरणागत जन परे ताका सद परताप राखन हारे अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव राम राज राम दास पर कीने गुरुदेव रहाओ सदा सदा हर त्याई है किछ बिघन न लागे नानक नाम सुलाहिया पै दुश्मन भागे सदा सदा हर त्याई है किछ बिघन न लागे नानक नाम सुलाहिया पै दुश्मन भागे। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। पंथ प्रसिद्ध विद्वान कथाकार सत्कार योग ज्ञानी अमरीक सिंह जी चंडीगढ़ वाले गुरु शब्द विचार दी सांझ पा रहे हैं जी। गुरु शब्द विचार श्रवण करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहेगुरु साहिब जीओ ज्यों बुलावे त्यों बोलें स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण कमलों में जुड़ मिल बैठे सतसंगी प्यारे हो मन वृत्तियां की एकाग्रता बनाइए। पाई साहब जी ने बड़े प्यार नाल कीर्तन करके साढ़े मन नूं टका बख्शिश कीता है।
सत्कार योग सिंह साहब जी और ने अमृतमयी बचन सानू पढ़ के सुनाया है। विचार नाल अपना मन जोड़िए, बिरतियां करो एकागर, अदब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया अंदर जदों कोई रब्बी गुणा नाल शिंगारिया जांदा है, रूहानियत दे गुणा नाल शिंगारिया जांदा है, उहनूं गुरमुख, संत, भगत, दरवेश, सिख, गुरसिख, भाई आदिक शब्दां नाल याद कीता जांदा है। रूहानियत दी बुलंदी है गुरमुख बन जाना, रूहानियत दी बुलंदी है संत बन जाना, गुरसिख बन जाना। राजनीतिक दुनिया विच राजनीति दे गुणा नाल संपन्न होने वाला बंदा एक दिन उच्ची बुलंदी नूं छूंदा है ते ओ राजा बन जांदा है। राजनीतिक दुनिया विच बुलंदी वाली पदवी राजा बन जाना है। पर वड्डी मुश्किल एक बनी, इउं समझ लईए दोवें चीज़ां वक्खरियां वक्खरियां मनुखता दा भला नहीं कर सकदियां। जिवें इकली आत्मा होवे, रूहानियत की है, रूहानियत आत्मा है। कली आत्मा होवे बिना शरीर तो किसी का भला भी नहीं कर सकती, पर कला शरीर होवे आत्मा ना होवे तो संसार उन्हों भी मुर्दा करार देंदा, उहदे विच भी गंदगी तो हो सकती है, बदबू सड़ांध तो हो सकती है, पर कोई चंगे गुणा की आस नहीं। मुर्दा किसी का की सवारेगा। साहब ने दोनों का सुमेल कर दिता, जिमें शरीर विच आत्मा होवे, शरीर भी काम करता है तो आत्मा भी अपनी बुलंदी नूं छीए। हजूर ने दोवें चीज़ां इकट्ठियां कर दित्तियां, मालिक ने रहमत की, तू अंदरों रब्बी गुणा नाल शिंगारिया होवे, बाहरों तू राजनीतिक ताकत का मालिक होवें तां कि संसार दे भले की बात कर सकदा होवें। क्योंकि जिन्हां कोल धन दौलत है, उच्चियां पदवियां ने, वह चाहुण ते बड़ी उच्ची बुलंदी तक पहुँच सकदियां ने। बड़ी मनुखता दे भले की गल, बेगमपुरा शहर को नौ वाला व्यवस्था बन सकती है। साहबां ने दोवें चीज़ां इकट्ठियां कर दित्तियां, तेरे अंदर मैं रूहानियत दे गुण देखने चाहुंदा है, तेरा बाहरी तौर पर जिहड़ा सरूप है वह संसार के भले लई एक बहुत चंगे धन दौलत वाला राजे महाराजियां वाला होवे, पर जे तेरे अंदर रूहानियत दे गुण नहीं। साहब ने उहदा भी नक्शा गुरु की बाणी विच खिंचिया। अमृत बोल है बड़ा प्यारा, बसंत स्वर्ग लोकै जित ते पृथ्वी नव खंडणै, बिसनंत हर गोपालै नानक ते प्राणी उद्यान भ्रमणै। जंगल विच उलझिया होया बंदा वो आप रस्ता नहीं अपना लभ सकदा, किसी का भला की करेगा। अमृत बाणी का वचन है, हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारी, बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी, नव खंडन को राज कमावै अंत चले गुहारी। गुण निदान गुण तिन की गाए जाको कृपा धारी, सो सुखिया धन उस जन्म नानक तिस बलिहारी। नव खंडन राज कमाउन वाला भी आखिर खाली हथ तुर जाएगा जे उहदे कोल रूहानियत वाले गुण नहीं, जे अंदर धर्म वाले गुण नहीं। दोवें गल्लां हजूर सच्चे पातशाह ने गुरबाणी विच बख्शिश कीतियां ने। मैं एक बारी फिर तुहाडा ध्यान दवावां, इसे लई साहिब ने एक बचन बख्शिश कीता, सुल्तान हुमा मेल लश्कर, तख्त रखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा,
नानका सब भाओ मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे नवा। जे मैं तख्त भी हासिल करना लोग मेरे हुक्म की तमील भी करना लोग मेरे हुक्म नूं भी मनन पर साहबा जे मेरे कोल तेरा नाम ना होया तां इक दिन मैं देखिया जेड़े तेरे नाम तो सखणे लोग ने ओ राजे भी मैं पाप कमाउंदे वेखे ने उन्हां राजिआं नूं मैं पाप कमाउंदिआं वेखिआ। ते इस लई दाता जी मैं तेरे चरणों विच इक मंग मंगण लगा मेरे ते इक किरपा कर मेरे ते इक रहमत कर मैं जे राजनीतिक दुनिया विच भी बुलंदी नूं छूवां ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਈ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਜਨ ਪਰੇ ਤਾਂ ਕਾ ਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੇਵਕ ਜਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਪੈ ਗਏ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾ ਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਸੱਚੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਰੱਬ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵ ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮ ਦਾਸਪੁਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਉਹ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਅਪਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੱਚਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੇਵ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਰਾਜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਲਈ ਘੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਚਰੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵੇਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਉੱਡ ਲੱਗਿਆਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
पर जो गुरु नानक साहब जी ने यह अगे तक दिता तो उन्होंने गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह ने कोई पाप करके तख्त हासिल नहीं किया बल्कि 7 साल रूहानीयत की दात लेके गुरबाणी के फलसफे पढ़ के गुरबाणी की विचार पढ़ के विचार के गुरु नानक साहब जी ने अंदरों जान के माण के अपना अंदर ओहाजा बना लिया। एक दिन वक्त आया गुरु नानक साहब जी ने अपना आपा गुरु अंगद साहब जी के अंदर टका दिता। साहब गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन बोल ने बड़ा प्यारा बचन है साहब जी की बाणी का, हजूर आखते ने कहते सिखा पुत्र कोक कह सब उम्मत वेख्यो जे क्यों जा सुदोष तां लैण टिक्यों। सतगुरु जी ने सिखा नूं भी, सतगुरु जी ने पुत्रां नूं भी, सतगुरु जी ने उम्मत नूं भी, अपनी संगत नूं भी परखिया विचारिया। जदों गुरु नानक साहब जी दी नज़र विच कबूल होया सब तो शुद्ध मन्निया गया बाबा लैणा, तां उहदे अंदर गुरु नानक साहब जी ने अपने आप नूं टका दिता। स्पष्ट है बाबे लैणे ने कोई हेराफेरी नहीं कीती, बाबे लैणे ने कोई कतल नहीं किया, बाबे लैणे ने किसी का खून नहीं बहाया बल्कि डुले हुए खून में पहुँच के सच का पोचा देकर उस तख्त के उत्ते बराज गए। जदों गुरु अंगद साहब जी ने तख्त दिता तो उदों का भी जिक्र गुरु की बाणी में बड़ा प्यारा बचन है। साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कृपा करते हैं, हजूर का बचन है नानक हंदा छतर सिर उम्मत मैं हैरान। कहन लगे दुनिया हैरान हो गई जदों गुरु अंगद साहब जी ने छतर तख्त धन गुरु अमरदास जी ने बख्शिश किया। सो टिक्का सो बहना सोई दीवान प्यो दादे जे वेहा पोतरा प्रवान। कहन लगे पियो भाव गुरु नानक साहब जी, भाव गुरु अंगद साहब जी ते दादा धन गुरु नानक साहब जी, जो गुरु नानक साहब के अंदर रूहानीयत की ताकत है, जो गुरु अंगद साहब जी के जीवन में पावन दात है, वह जिहा ही पोतरा भाव धन गुरु अमरदास जी है, तां करके उन्होंने उस तख्त पर बिठा दिता। जदों उन्होंने तख्त पर बराजे, जदों वह तख्त पर बराजे तो उन्होंने अगे गुरगद्दी की दात बख्शिश की धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी ने, उदों भी उन्होंने वचन आख दिते पट्टा के सवैया विचों। सानूं कल भी दास ने एक बेनती की सी सब विद मान्यो मन तब की भयो प्रसन्न राज जोग तख दियन गुरु रामदास। कहन लगे धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह यह कोई रिश्तेदारी का मसला नहीं, यह कोई मोह मुहब्बत की बात नहीं, यह किसी कहर की बात नहीं, यह पाप पुन की बात नहीं। धन गुरु अमरदास जी तुहाडा मन चारे पासियां तो प्रसन्न हो गया, पूर्ण तौर पर मन लिया, जिमें गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद साहब न शुद्ध जानिया, जिमें गुरु अंगद साहब जी ने गुरु अमरदास जी ने बराबर का पोतरा जानिया, जिमें गुरु अमरदास जी ने अज धन गुरु रामदास जी ने अपना रूप जान के उन्होंने तख्त पर विराजमान कर दिता। गुरु रामदास महाराज जी ने भी जदों तख्त अगे दिता तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिता अंतना पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी पुन बेर बिरंच विचार रेहो हर जापना छाडो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत शिष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जन माहे धरी। गुरु रामदास जी ने एक फैसला किया भी अगर नू जग और ना जाए महात्म मैं अवतार अजागर आन कियो तिनके दुकोट दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। अगर संसार दी बेड़ी नू कोई बन्ने ला सकता है वह धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज है। उन्होंने ये सोच विचार करके गुरगद्दी का तख्त धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने बख्शिश कर दिता। गुरु अर्जन साहब जी ने भी जदों अगे गुरगद्दी गुरु हरगोबिंद साहब जी ने दिती भाई गुरदास जी आखते कहते हो दाने लोगो एक गल विचार के देखियो कितने मन में भुलेखा हो जाए लोग तुहाडे मन च बड़े भरम खड़े करनगे, पर मैं स्पष्ट कर देना चाहना भाई गुरदास जी का बोल है बड़ा प्यारा पंज प्याले पंज पीर छटम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट कै मूर्त हर गोबिंद सवारी। जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अगे गुरगद्दी गुरु हर राय साहब जी ने दिती उन्होंने भी एक गल सब संगत को कहो सुनाए मम समान जानो हर राय
कहन लगे सारी संगत नूं सुना के हजूर ने बचन कह दिते। कहन लगे मेरे बराबर की गुरु हर राय साहब जी नूं समझियो, कोई अंतर ना जे समझियो। कहन तो मुराद इल सिलसिला अगे तक चलता गया। दसवें पातशाह दे वेले दी मैं निक्की जी गल करां ताकि समय नूं बचा सकीए। उन्हां जदों तखत दिता मैं एक बार फिर बेनती करा, पहले गुरुआं वेले गुरु नानक साहब ने तखत दिता गुरु अंगद साहब नूं जोग जाण, गुरु अंगद साहब ने तखत दिता गुरु अमरदास जी नूं जोग जाण, गुरु अमरदास जी ने तखत दिता गुरु रामदास जी नूं जोग जाण। गुरु रामदास जी तो बाद कहानी घर दी तुर पई। कहन लगे भलियो एक गल चेता रखियो, जे गल पीढ़ी दर पीढ़ी गुरगद्दी घर विच रहण वाली हुंदी तां दसवें पातशाह ने यह गद्दी अपने पुत्रां नूं दे के जानी सी, पर उन्हें स्पष्ट कर दिता। कहन लगे अज तक कत जिहड़ा तख्त ते बैठदा है वह तख्त ते उतरन वाले का कतल करदा ते आप तख्त ते बैठदा। दसवें पातशाह ने एक नवी रीत पा दिती। कहन लगे अज मैं तख्त ते बैठा हुआ पर मैं जिन्हों तख्त ते बिठाउणा है मैं ओहदा फैसला कृपान नाल करना है, मैं ओहदा फैसला कृपान नाल करना है। तख्त ते बैठण वाला कृपान चुकदा सी, तख्त ते बैठे हुए नूं कतल करदा सी, पर तख्त ते बैठा होया आउण वाले तख्त ते बैठण वाले दा कतल नहीं सी करदा। एक गल स्पष्ट कर दित्ती, पुत्रा मैं दुनिया दा एक अजीब नक्शा तेरे सामने रखना चाहुंदा। गुरु कलगीधर ने पंजां नूं तेग दी बुक्कल विच्चों नवां जन्म दे के ते उन्हां पंजां नूं सदा लई तख्त दी दात दे दित्ती। अज तो बाद शरीरक तौर ते कोई गुरु वाला कार्ज करना होया तां इह पंज प्यारे करनगे सदा लई तख्त ते बैठण वास्ते, उवें जिवें पहले गुरु दिंदे आए सन उवें गुरु ने भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी तख्त ते विराजमान कर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं परिक्रमा करके मत्था टेक दिता, स्पष्ट कर दिता। सिखा अज तो बाद तेरा गुरु जिहड़ा वह गुरु ग्रंथ साहिब होवेगा, कितने मत भुलेखा खा जावी। आ गया भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। एक नज़र दुनिया के वल भी मार लईए। बाबर तख्त ते बैठा, उस तो पहले का लम्मा इतिहास है, मैं वह नहीं छेड़न लगा, बहुत लम्मा इतिहास है। बाबर तख्त ते बैठा, हिंदुस्तान नूं मासपुरी बना दिता, इस शहर नूं, इस दुनिया नूं, इस हिंदुस्तान नूं उन्हें एक मास का शहर बना के रख दिता। इतना कतलेआम किया बाबर तो बाद। अगे फिर हमाइयों तख्त ते बैठदा, बेअंत कतल हुंदे ने। अकबर बादशाह तख्त ते बैठदा, कतल हुंदे ने। जहांगीर तख्त ते बैठदा, कतल हुंदे ने। दुनिया के कतलों की तो गल छड़ीए, गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज वर्गे महान सतगुरु नूं जहांगीर ने अपने वेले तत्ती तवी ते बिठा के शहीद किया। उस तो अगे जहांगीर बादशाह तो अगे चलीए शाहजहान बैठदा, तो वह कतलों की किन्नी लम्मी लड़ी है। शाहजहान तो बाद विच औरंगजेब तख्त ते बैठदा, उते अपने प्यो ते भरावां दा कतल करके तख्त ते बैठदा। गुरु तेग बहादुर साहब जी का कतल करवाउंदा, सिखां दा कतल करवाउंदा। इत्थे ही बस नहीं, फरक्शियर वर्गे, उस तो बाद मुहम्मद शाह रंगीले वर्गे, पता नहीं किन्ने कु लोक तख्तां ते बैठे, पर जिहड़ा भी तख्त तक पहुंचिया याद रखो जे ओले पैर किसी ना किसी खून दे नाल भिजे हुए होंदे सन। ओ तां तख्तां तक जांदा सी, एक पासे गुरमत दा तख्त वेख, दूजे पासे इन्हां राजनीतिक लोकां दा तख्त वेख। हजूर कहिंदे पुत वे मैं तैनूं रूहानियत वाले गुणां नाल इन्ना कुछ शिंगार देना चाहुंदा, इस घर विच रहिंदिया होया जदों तूं तख्त दे मालक कोल आवेगा ते तेरे जीवन दे अंदर एक गल पता होवेगी, मैं गुरु दे घर कबूल होना है, मैं गुरु दे दर ते प्रवान होना है, तो मैनू अपना आपा गुरु दे चरणों में जुड़ना पवेगा। जेड़े बाकी राजनीतिक लोग ने
ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਕੜੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਕੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਧਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਕੰਗਣ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਦਕ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ, ਧਰਮੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਿੰਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਲਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਕਾਇਨਾਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਜਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਵਣ ਪਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਮੂੰਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਸੂਰ ਤੇ ਤੇਰਾ, ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕੱਢਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਰ ਝੋਲੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕੰਗਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਦ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਰਬੇ ਬਚਨ ਨਾ ਨਾ ਬੋਲ। ਉਹ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਏਨ ਗੰਧ, ਜਿੱਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਬਨੇ ਟਿੱਚਰ ਬੋਲਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਦਿਨ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਓਬਈ, ਤਿੱਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਗੰਧ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਫਿਰ ਖੁਦ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,